माई चैनल मैं हूँ अंजलि और आज मैं आप लोगों के साथ गोभी की खीर बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गोभी का जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है तो इसकी जो खीर होती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने फूल गोभी ले लिया है और अब हम इसे पहले हाफ हाफ कट कर लेंगे या फिर आप इसके फूल गोभी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन हाफ हाफ कर करके जब हम इसे ग्रेटेड यानी कि कद्दूकस करेंगे तो आसानी होगी इसे कद्दूकस करने में, इसलिए यहाँ पर मैं हाफ हाफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे बीच से कट कर लेंगे। अब हम इसे ग्रेटेड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस करने वाला ले लिया है और इस तरह से इसे हम घिस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बारीक दानेदार जैसा करना है इसे। ये जो नीचे का भाग है वो हमें खीर में नहीं लेना है, सिर्फ ऊपर का जो फ्लावर रहता है वही जो है खीर में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ग्रेटेड कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो अब हम खीर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे हम 1 चम्मच शुद्ध देसी घी। अब हम इसमें कद्दूकस किए हुए गोभी को डाल देंगे। सारे गोभी को मैंने यहाँ डाल दिया है। ये खीर बहुत ही जल्दी भी होती है। फूल गोभी की जो खीर है काफी डिफरेंट होती है, इसका जो फ्लेवर है वो भी काफी डिफरेंट होता है। तो अब यहाँ पे हम फूल गोभी को अच्छे से भून लेंगे, इससे जो इसके अंदर का एक फ्लेवर होता है स्ट्रांग वाला जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है वो यहाँ पे दब जाएगा। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमें इसे गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए गोभी जो यहाँ पे है हल्की सी गोल्डन कलर की होने लगी है, थोड़ा सा इसे हम और भूनेंगे। तो ये देखिए अब जो गोभी है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल गोल्डन कलर की हो चुकी है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो दूध को यहाँ पे मैंने उबाल करके रखा हुआ है, उसको इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर लगभग 1/2 किलो जो गोभी है वो मैंने इस्तेमाल किया है और इसमें 1.25 लीटर दूध हम इस्तेमाल करेंगे। मिक्स कर लेंगे और अब इसे अच्छे से उबलने देंगे। इससे क्या होगा कि गोभी जो है काफ़ी बारीक है, लेकिन उबलने के कारण ये और ज़्यादा जो अच्छी तरह से कुक हो जाएगी और गोभी की जो खीर है वो जब गाढ़ी होती है तभी उसका जो फ्लेवर है वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें गाढ़ी कर लेनी है खीर को। तो ये देखिए अब जो हमारी खीर है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और हमें इसी टेक्सचर का जो खीर है यहाँ पर चाहिए। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चीनी। चीनी आपको यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। चीनी डाल के हम मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे ताकि ये खीर में अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुकी है और खीर हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको एक साइड में डालेंगे और इधर हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में हम डालेंगे शुद्ध देसी घी। घी हमारा मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो कटे हुए मैं यहाँ पे बादाम ऐड कर रही हूँ, काजू और किशमिश। अब हम इन सभी चीजों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर होने तक यहाँ पे हमें सभी ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। यहाँ पर हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो फ्राई हो चुका है तो अब हम इसको खीर के ऊपर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे खीर को मैंने एक बाउल में डाल लिया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे फ्राई किए हैं वो खीर के ऊपर हम ऐड कर लेंगे और इसी के साथ हमारी स्वादिष्ट गोभी की जो खीर है वो बन करके पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।